इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट कमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। कमेंट्स का मतलब है रफ वर्क। वेब ब्राउज़र कमेंट्स को इग्नोर करता है, मतलब अगर आपने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कमेंट्स लिखा है और इसको आपने कमेंट कर दिया है तो वेब ब्राउज़र इसे रीड नहीं करेगा। हमने कमेंट्स एचटीएमएल और सीएसएस दोनों में डालना सीखे थे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर मेरे पास index.html के अंदर एक हेडिंग और तीन बटन्स हैं। अगर मैं इस वेब पेज को रिफ़्रेश करूं तो यहाँ पे देखें, ये हेडिंग नज़र आ रही है और तीन बटन्स नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इस हेडिंग को कमेंट कर दूं, मतलब अगर मैं इसके ऊपर कर्सर रख के कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश लिखूं और इसको सेव करके इस वेब पेज को रिफ़्रेश करूं, तो ये हेडिंग गायब हो जाएगी क्योंकि ये हेडिंग मैंने कमेंट कर दी है। एचटीएमएल के अंदर कमेंट करने के लिए ये वाला सिंटैक्स यूज़ होता है। इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन के बीच में आप जो भी लिखते हैं वो वेब ब्राउज़र इग्नोर करता है। बिल्कुल इसी तरह स्टाइल और सीएसएस के अंदर भी हमने कमेंट्स डालना सीखे थे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इस बैकग्राउंड कलर के ऊपर कर्सर रख के कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश क्लिक करूं, तो ये वाली जो डिक्लेरेशन है ये कमेंट आउट हो जाएगी। और अब अगर मैं इस पेज को सेव करके रिफ़्रेश करूं, तो आप देखें इन बटन्स का बैकग्राउंड कलर गायब हो गया क्योंकि मैंने यहाँ से ये बैकग्राउंड कलर कमेंट कर दिया था। सीएसएस में कमेंट्स लिखने का तरीका ये होता है, आप फॉरवर्ड स्लैश स्टेरिक के बीच में जो कुछ भी लिखते हैं वेब ब्राउज़र उसे इग्नोर करता है। बिल्कुल इसी तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर भी आप कमेंट्स लिख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर कमेंट्स लिखने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी अगर मैं इस पेज को रिफ़्रेश करूँ और इस बटन को क्लिक करूँ, तो यहाँ पर देखें पहले अलर्ट शो होगी ईजी 1, उसके बाद ईजी 2, उसके बाद ईजी 3 और उसके बाद हेलो दिस इज़ लेवल ईजी। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 4 अलर्ट शो हो रही हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने इस चूज़ ईजी फंक्शन के अंदर 4 अलर्ट्स डाली हैं। अगर मैं इनमें से ईजी 1 अलर्ट के आगे 2 मरतबा फॉरवर्ड स्लैश डालूँगी तो ये वाली अलर्ट कमेंट हो जाएगी। इसको अगर मैं सेव करके पेज को रिफ़्रेश करूँगी, तो आप यहाँ पे देखें ईजी को क्लिक करने पे जो पहली अलर्ट शो होगी वो होगी ईजी 2, उसके बाद ईजी 3 और उसके बाद हेलो दिस इज़ लेवल ईजी, क्योंकि ईजी 1 वाली अलर्ट को मैंने कमेंट कर दिया है। तो कमेंट्स लिखने का पहला तरीका है कि आप 2 मरतबा फॉरवर्ड स्लैश लगाएँ और उसके बाद जो कुछ भी होगा वो कमेंट हो जाएगा। जावास्क्रिप्ट में कमेंट्स लिखने का एक और तरीका भी है और वो ये है कि आप लिखें फॉरवर्ड स्लैश स्टेरिक और जो भी चीज़ आपने कमेंट करनी है वो लिखें और उसके एंड में लिखें स्टेरिक फॉरवर्ड स्लैश। तो इसके दरमियान आप जो कुछ भी लिखेंगे वो कमेंट होगा। अगर मैं इस पेज को सेव करके रिफ़्रेश करूँगी, तो आप देखें ईजी पे क्लिक करने पे लिखा आएगा हेलो दिस इज़ लेवल ईजी। ये वाली जो तीनों अलर्ट्स हैं ये गायब हो जाएंगी क्योंकि इनको मैंने कमेंट कर दिया है। अगर मैं ईजी 3 वाली अलर्ट को इसके बाद लिखूँगी और इसको सेव करके रिफ़्रेश करूँगी, तो ईजी को क्लिक करने पे ईजी 3 वाली अलर्ट भी शो होगी क्योंकि ये वाली अलर्ट अब कमेंट के बाहर है। तो ये जो पहला तरीका है इसे कहते हैं सिंगल लाइन कमेंट, क्योंकि इस तरीके से आप सिर्फ एक लाइन को कमेंट कर सकते हैं। और इस वाले तरीके को कहते हैं मल्टी लाइन कमेंट, क्योंकि इसके ज़रिए आप मोर देन वन लाइंस को कमेंट कर सकते हैं।